आज मैंने बनाया है चोको चिप कुकीज़, जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। चोको चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम्स अमूल बटर, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था, और 50 ग्राम्स न्यूट्रीलाइट बटर लिया है मैंने, और दोनों को हम बीटर से 2 से 3 मिनट तक के लिए बीट कर लेते हैं। बटर को मैंने 2 मिनट तक के लिए बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं पाउडर्ड शुगर और एक बार बटर के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर से हम इसे 1 मिनट तक के लिए बीट कर लेंगे। बटर और शुगर को मैंने बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध लिया है और फिर इसमें हम डाल देते हैं वेनिला एसेंस और दोनों को एक बार बटर के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बाद भी इसे हम अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और बेकिंग पाउडर, दोनों को डालकर हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपना लेते हैं बटर वाला मिक्सचर और इसमें हम डालते हैं सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसे हम कट एंड फोल्ड प्रोसेस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं चोको चिप्स। मैंने यहाँ 1/4 कप चोको चिप्स लिया है और चोको चिप्स डालकर हम मिक्सचर को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चोको चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे अब हम क्लिंग रैप कर देते हैं। मिक्सचर को मैंने क्लिंग रैप कर लिया है और इसे हम फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। 20 मिनट हो गया है फ्रीज़र में रखते हुए और चलिए अब इसे हम खोलकर देखते हैं। ये जो कुकी का डो है वो बिल्कुल सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके कुकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग ट्रे और इसे हम मैदा से डस्ट कर देंगे। तो चलिए हम मिक्सचर को रोल कर लेते हैं। तो हम मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इसे हम बिल्कुल रोल कर लेंगे और इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। ध्यान रखिए जो कुकीज़ हैं वो सब एक ही साइज़ की होनी चाहिए, नहीं तो बेकिंग करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। उतना ही मिक्सचर लेकर हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। सभी को मैंने रोल कर लिया है और अब इसके ऊपर से भी हम थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं और अब इसे हमें बेक करना है। तो मैंने अवन को 180 डिग्री पर रखकर 10 मिनट्स तक के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसे अब हम अवन में रखते हैं। तो अब हम चोको चिप कुकीज़ को 180 डिग्री पर रखकर मिडिल रैक पर 15 टू 20 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेते हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं कुकीज़ को बेक करते हुए, तो चलिए अब इसे हम अवन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए कुकीज़ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। हम तुरंत ही इसे निकाल कर वायर रैक पे रखेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा और हार्ड नहीं होगा। अगर हम ट्रे में छोड़ देंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी कुकीज़ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ये आप देख रहे हैं नीचे से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गए हैं। तो चलिए इन्हें हम तोड़ कर अंदर का टेक्स्चर देख लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्प है। तो इस तरीके से कुकीज़ आप घर में आसानी से बना सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर नई वीडियोज़ की रेसिपीज़ के अपडेट के लिए ज़रूर क्लिक कीजिए।